हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल लादी पाव। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी पाव हम घर में ही बना सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अब हम पाव बनाने के लिए एक बाउल में एक कप दूध लेंगे। ध्यान रखिएगा, दूध थोड़ा सा हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें 3 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे और इसमें हम ईस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है, इसे हम 1 टीस्पून जितना ऐड करेंगे। दूध में शक्कर और ईस्ट डालकर इसे मिला के साइड पे रखेंगे। 10 मिनट में ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा और इसे हम फर्दर यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथ से मिलाएंगे और इसमें मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। मैदा को हम इसमें छान के ऐड करेंगे। मैदा के साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और उसी के साथ हम इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से पाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सॉफ्ट भी बन जाते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप एग खाते हो तो इसमें एग भी ऐड कर सकते हो। 1 एग इसमें ऐड कीजिएगा और इसे नीड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बिना एग के बनाया है, तो अब हम इसको 1 चम्मच के सहायता से मिलाएंगे और इसे अच्छे से नीड करेंगे। इतना आटे के लिए 1 कप दूध काफी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से हम नीड कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा आटा सख्त लगता है तो हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे, या फिर आप दूध भी यूज कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से नीड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो बहुत ज्यादा स्टिकी हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को मैंने फ्रिज से निकाल के रखा था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब आप इसमें बटर डाल के नीड करते हो तो इसका इलास्टिसिटी ज्यादा बढ़ जाता है, आपके जो हाथ में लगा हुआ आटा है वो भी निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ पूरे तरीके से क्लीन हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए नीड किया है। अब हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसे जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए तब तक आप इसे रेस्ट करने के लिए रखिएगा। जब ये अच्छे से प्रूफ हो जाएगा इसे हम निकाल के फिर से फर्दर स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 घंटे के ऊपर रखा था, मेरा आटा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे 1 चकले के ऊपर निकालेंगे। आप चाहे तो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर निकाल सकते हो। अब हम इसे बिना नीड किए ही इसे रोल करके 1 लंबाई शेप में कन्वर्ट कर लेंगे और इसे इक्वल शेप में कट कर लेंगे। आप ज्यादा इसे रोल मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 9 इक्वल पीसेस में कट कर लिया है और उसके बाद हम एक ट्रे को रेडी करेंगे। जब हम इसे रोल करेंगे तो डायरेक्टली हम इसके ऊपर रख सकते हैं। एक टिन को अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर बटर पेपर डाला है। अब हम 1 डो का पीस लेंगे और उसे फ्लैट करेंगे और हल्के हाथ से इसे लेंथ वाइज में बेल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा बेला नहीं है, थोड़ा सा ही इसे हम बेलेंगे और इसे अब हम छोटे छोटे रोल करते हुए एक लोई बना लेंगे। ध्यान रखिएगा आप इसे टकिन भी कर सकते हो या फिर आप इसे रोल भी कर सकते हो। ऐसे करने से आपका बन बहुत ही अच्छे से फूलता है और इसमें लेयर्स भी अच्छे से बनते हैं। और इसका लोई बनाने के बाद नीचे से इसे पिंच करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका बन ओपन होके खुल भी सकता है। अच्छे तरीके से पिंच करके इसे बंद कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बन का छोटा सा एक पोर्शन रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम सारे बन के रोल बना के रेडी कर लेंगे और इसे एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे और फूलने के लिए फिर से रखेंगे। इस प्रूफ होने के लिए 1 घंटा लगता है, तो आप पेशेंस के साथ इसे फूलने दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर दूध का लेयर लगाएंगे। इसे ब्रश कीजिएगा दूध से और इसे हम बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने 18 मिनट्स के लिए 380 फारेनहाइट पे बेक किया है। जब ये अच्छे से गोल्डन होके बेक होके बाहर आएंगे, इसके ऊपर हम 1 बटर
लगाएंगे। यहाँ पे मैंने मेल्ट किया हुआ बटर यूज किया है। सारे बंस के ऊपर अच्छे से बटर लगाएंगे और इसके ऊपर एक प्लेट लगा के या फिर एक कपड़ा लगा के रेस्ट करने रखेंगे ताकि हमारा ब्रेड का ऊपर का जो लेयर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा पाव बन के रेडी है। अब हम इन्हें फ्लिप कर लेंगे और नीचे से भी बहुत ही अच्छे से कलर आया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पाव बन के रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऐसे ही आपको अलग रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।